अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका। भाई मैं आज आपसे सवालात करने जा रहा हूं और उन सवालों के नतीजे में आपको एक एक चॉकलेट मिलेगी भाई, और बहुत मीठी चॉकलेट है भाई, क्योंकि मीठी ईद है ना, और मीठी ईद में मीठी चॉकलेट्स होते हैं और आपको मीठे चॉकलेट्स मिलेंगे। अच्छा मैं सबसे पहले तो सवाल करूंगा भाई, किन से करूं। क्या नाम है आपका? तैयब। तैयब भाई कैसे हो? ठीक हूं। अच्छा मुझे ये बताओ कि हमारे आखिरी नबी जो हैं उनका नाम क्या है? हमारे आखिरी नबी का नाम हजरत उमर रसूलुल्लाह खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। भाई सुभान अल्लाह, क्लैपिंग भाई, क्लैपिंग। भाई ईद के दिन ईद की खुशियों को दोबारा करने वाले बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। ले भाई, थैंक यू। ले भाई अभी हम सवाल करने जाएंगे, बल्कि ईद का दिन है और ईद के हवाले से हम इनसे कोई पोयम भी सुनेंगे, इनसे गाना भी सुनेंगे, इनसे कोई ना कोई ऐसी बात भी करेंगे। अच्छा भाई गाना किसको आता है ये तो बताओ, गाना कौन सुना सकता है? गाना आता है आपको? और नाम तो बताओ पहले। वजीमा। अरे नहीं नहीं गाने का। गाने का? हाँ। तुझ से हूँ। तुझ से हूँ? हाँ जी। किस से हूँ बताओ तो। आतिफ असलम का गाना तुझ से हूँ। लो भाई आतिफ भाई, मैं आपसे इंतहाई माजा चाहता हूँ कि पता नहीं कैसा गाए, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, गाने वाली है भाई तुझ से हूँ। चलो भाई। तुझसे हूँ कहता हूँ मैं बुरी मान से, जग जाने सारा मुझे यूं तेरी नाम से, जान भी दे देना लगे थोड़ा किया है, कितनी चाहत से ये पाकिस्तान लिया है, मन को तुम्हारा परचम झुलाया, दिल से लगाया हुआ यारी है, ये अदब से का प्यारी है, प्यारी है, प्यारी है, हमें प्यारी है पाकिस्तान से, दिल जान से प्यारी है। मेरी पाक धरती तुझे सलाम कि तूने ऐसे बच्चे जने और तूने इन बच्चों को इस काबिल बनाया कि तेरे मुल्क में रहते हुए तेरी तारीफ कर सके। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। लो भाई अभी सवाल करने वाला हूँ, बहुत जबरदस्त किस्म का सवाल करूंगा। अभी किससे करूं भाई? अभी सवाल बहुत बेहतरीन होने वाले, मैं बता रहा हूँ। आपसे करूं? जो भी खड़े हो जाओ। किनसे करूं? किनसे करूं? आपसे करूं अभी। चलो क्या है आपका? ठीक हूं। नाम के? आमना। आमना मुझे बताओ वो कौन सा जानवर है जिसकी गर्दन नहीं होती? मछली। मछली की गर्दन होती है? खाती हूँ ना गर्दन। सांप। सांप की भी होती है? नहीं होती, होती मैंने खुद देखी है। उसके भी होती है? उसके। भाई तुक्का लगाओ बच्चों, तुक्का लगाओ, तुक्का बताओ कौन सा जानवर है जिसकी गर्दन नहीं होती? सांप की होती है, मैंने खुद देखी यार, अभी कल देखी मैंने। कितकी? कछुए की होती है, वो जब अंदर करके यूं गर्दन कर लेते हैं, होती है ना कछुए की। लो भाई नहीं, कछुए की भी होती है, सांप की भी होती है, एक जानवर है जिसकी गर्दन नहीं होती, वो हमारे घरों में भी आता है रात को। तुक्का लगाओ तुक्का, रात में घरों में आता है वो, उसकी भी होती है, उसकी भी होती है, घरों में आता है, घरों में मच्छर की भी होती है, जुगनू की भी होती है, हड्डी नहीं होती भाई। मेंढक होता है, मेंढक, मेंढक की गर्दन नहीं होती। चलो भाई ये जो जो खड़े थे जो जवाब दे रहे थे उनको तोहफा देते हैं भाई, ये ली, ये ली, ये ले, ये ले भाई, ये ले, ये ले, ये ले, सबको मिल रहा है भाई। बहुत बच्चे बहुत प्यारे और ईद की खुशियाँ इनके साथ मना रहे हैं और आप देख रहे हैं, और आज जो एहसास हो रहा है पहले हमको कभी नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों के साथ ईद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, और बच्चे जो हैं ये बच्चे होते हैं मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। ले भाई, ले भाई, ये भाई कोई आकर तकसीम कर दे, आप आज आप आज। अच्छा नाजिया जी आपसे सवाल है कि अगर किसी अवामुन्नास में से कोई बच्चा मिल जाता है किसी को गुमशुदा हालत में, वो आप तक तो कैसे पहुंचाएं?